जुजुत्सुकाई से सख्त ट्रैश। जो भी टर्म तुम्हें यूज करनी है वो तुम कर सकते हो, इट्स योर ओपिनियन। और अब जो मैं बोलूंगा इस वीडियो में वो मेरा ओपिनियन है, सुनकर अच्छा ना लगे तो थोड़े कड़वे घूंट पी लेना। क्या हो गया, मुझे पता है कि लोगों ने इस पर वीडियो बना रखी है, लेकिन मेरी वीडियो बहुत अलग है। पहला, इसमें मैं हूँ। दूसरा, बहुत मजे आने वाले हैं क्योंकि मैं पूरा मुंहफट होके सच बोलने वाला हूँ। अब पता नहीं किस किस को बुरा लगे और किसी किसी को अच्छा भी लग सकता है, और मुझे लगता है तुम में से काफी एग्री करोगे मेरे पॉइंट्स पर। तो चलो शुरू करते हैं बड़े सिंपल क्वेश्चन से। मैंने बोला जुजुत्सु काइसन, तुम्हारे दिमाग में क्या आया? मैं बताऊं, गोजो, दूसरा नाम सुकुना, तीसरा नाम तोजी, गेतो या केंजाकू, ये ही सबसे बड़ा फेलियर है जेजेके का। हम जुजुत्सु काइसन बोलते हैं तो हमें यूजी का नाम क्यों नहीं याद आता? आई मीन प्रोटैगनिस्ट हो ना, सिर्फ विलन को हराना नहीं होता है। नारुतो के सामने सास्की कितना कूल था, लेकिन उसके बाद भी जो इम्पैक्ट नारुतो डालता था एज अ प्रोटैगनिस्ट, वो था जो उसे स्टैंड आउट करता था। दूसरी तरफ अपना लूफी कितना डम है। तुम्हें क्या लगता है जोरो जैसा खतरनाक कैरेक्टर क्यों इतना लॉयल है लूफी के लिए? बिकॉज उसे भी पता है कि इसके अंदर कुछ है। बात बार सीम ने तुमने देखा ही होगा जब वो बेलामी को नहीं मारने के लिए कहता है। No matter what happens, don't fight back. और वो दोनों पिट कर आते हैं। तो ये ऐसे कुछ मोमेंट्स होते हैं जहां में वो फील होता है दैट ही इज द प्रोटैगनिस्ट। लेकिन यूजी के केस में मुझे फील ही नहीं होता दैट ही इज द प्रोटैगनिस्ट। और ये उसकी गलती नहीं, उसके ऑथर की गलती है कि उसका ऐसा कुछ इम्पैक्ट उन्होंने हमें दिखाया ही नहीं जिससे हम उससे कनेक्ट हो पाए। सौथे तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाई जुजुत्सु काइसन फेल्ड। तो पहले बात करते हैं पीक एंड डाउनफॉल ऑफ जुजुत्सु काइसन। तो अब हम चलते हैं थोड़ा पीछे, जब जुजुत्सु काइसन थोड़ा ज्यादा चर्चा में आना चालू हो गया था, चैप्टर 212, जहां सुकुना ने मेगुमी की बॉडी पर टेक ओवर कर लिया था। अब यहां से थोड़ा मसाला चालू होता है। उसके बाद 24 अप्रैल 2023 को चैप्टर 221 आता है, जहां गोजो प्रिज्म रियलम से रिलीज्ड हो गया था और जाकर सुकुना से मिलता है। हम सबको पता चल गया था कि अब हमें वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड बैटल देखने को मिलने वाली है, जिसके लिए असल में सब जेजे के देख रहे थे। एंड फिर 29 मई 2023 आता है, जहां इसके राइटर तक को नहीं पता था कि उसकी मांगा कहां पहुंचने वाली है। और फिर चालू होता है द पीक ऑफ जुजुत्सु काइसन। चैप्टर 2024 आता है और द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर और कर्स के बीच की लेजेंडरी बैटल स्टार्ट होती है। और उसके बाद जो ये 13 चैप्टर्स थे, भाई कसम से मजा आ गया था। और जब चैप्टर 236 में गोजो मरा, पूरी दुनिया हिला देता है। इतना ज्यादा स्पैम इंटरनेट पर, इंस्टा पे आधा कटा हुआ गोजो दिख रहा था हर चार पोस्ट के बाद, ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था #GojoIsDead। जलवा है हमारा है। मैं बता रहा हूँ ये पहली बार हुआ होगा जब पूरी दुनिया को एक साथ स्पॉइलर मिल गया। और अब इसके बाद जो लोग मांगा भी नहीं पढ़ते थे वो भी जेजेके के चैप्टर्स पढ़ रहे थे। अब गोजो के मरने के बाद आता है डाउनफॉल, जो कि ऑफ कोर्स आना ही था। उसके बाद काशिमो से फाइट होती है, जो हमें लगा कि हाँ भाई अब कुछ होगा। कुल 2 चैप्टर्स में खत्म हो गया। और उसके बाद काफी सारे कैरेक्टर्स आते हैं सुकुना से लड़ने और हमें लगता है कि भाई ये अब खत्म, लेकिन बार बार चीजें रिपीट होती रहती हैं और सुकुना प्लॉट आर्मर की वजह से जीतता रहता है। और इसी चीज ने एक मांगा को काफी बोरिंग बना दिया था और फैंस को काफी अनॉय कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने काफी फाइट खींची च्युइंगम की तरह। और आखिरकार चैप्टर 268 में सुकुना मर जाता है। वैसे यार मजा नहीं आया ना उसकी डेथ में, थोड़ा होना चाहिए था रियोई की तैन का ही होता, थोड़ा खतरनाक सा अटैक आता और फाड़ देता उसे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो यही थी अभी तक की जुजुत्सु काइसन की स्टोरी। अब देखते हैं वो पॉइंट्स कि इन्होंने हगा कहां पर है। और फिर से बोल रहा हूं, ये मेरा ओपिनियन है। व्हाई केंजाकू इज नॉट अ मेन एंटेगनिस्ट। तो पहले मुझे लगता है कि केंजाकू को मारना इज अ डम मूव, बिकॉज सुकुना नहीं होना चाहिए था मेन विलन। ठीक है वो सबसे ताकतवर है, अपनी रियल बॉडी में ना होने के बाद भी वो इतने लंबे टाइप तक लड़ा और कितने सारे सॉर्सरर को मारा। लेकिन तुमने एक कहावत सुनी होगी, अकल बड़ी है भैंस, और हम सबको पता है कि अकल बड़ी होती है। उस बंदे ने एक तरह से सुकुना का यूज किया है, उसे गोजो को मरवाना था मरवा दिया, उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी उसे। दैट इज द पावर ऑफ एंटेगनिस्ट। पूरे जेजेके की स्टोरी को केंजाकू चला रहा है। अभी तक पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ इसी के प्लान के हिसाब से चल रहा है, और वही सुकुना को भी वापस लेकर आया था। और सुकुना के पास कोई एम भी तो नहीं है, बस उसे मजा आता है इसलिए वो मार रहा है। बट केंजाकू ऐसा प्रॉपर एम और उसका डेडिकेशन देख रहे हो, 1 साल से लगा हुआ है। What a consistency. अब इसके पास ये सारे ट्रेट्स होने के बाद भी मुझे समझ नहीं आता कि केंजाकू मेन एंटेगनिस्ट क्यों नहीं है। I mean, ये सबसे लास्ट में मरना चाहिए था। वैसे हो सकता है कि वो अभी भी जिंदा हो।
एग्जेजरेटेड फाइट सीन्स। आई मीन गोजो मरा था चैप्टर 236 में, उसके बाद लगभग तुमने 32 चैप्टर को खींचा सुकुना को मारने के लिए, और उसमें भी चलो हमें दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने दिखाया क्या वो मैटर करता है। अब देखो उन्होंने खुद ही मांगा को बोरिंग और एनोइंग बना दिया, एक ही चीज को रिपीट करते करते। हर 2-4 चैप्टर में एक नया स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा आकर सुकुना से लड़ता है, हमें लगता है वो ये तो अब मार ही देगा। सुकुना तो गया, लेकिन फिर से सुकुना को कुछ नहीं होता, वो उन्हें मार देता है। और इस प्लॉट आर्मर से फैंस भी परेशान हो गए, मतलब कितनी बार करोगे भाई, बस यही चलता रहता है इन 30 चैप्टर में। इतनी बार चीजें रिपीट हुई है ना, ये पहले गोजो आया, फिर काशिमो आया, फिर यूजी हिगुरामा आए, फिर यूटा और यूजी लड़े, फिर माकी और यूजी लड़े, फिर यूजी तोदो और यूटा विद गोजो बॉडी, और बीच बीच में बाकी सॉर्सरर आते रहते थे, मिगेल, कुसागाबे, एंजल। मतलब भाई गेगे ने सारे जुजुत्सु काइसेन के कैरेक्टर्स को सुकुना से लड़वा दिया। आई मीन एंटेगनिस्ट हर किसी से लड़ेगा क्या, भंडारा चल रहा है। आओ भाई तुम भी 2-3 स्लैशेस खा लो इसके। आई मीन ठीक है डीमन स्लेयर के टाइम पर भी ऐसा ही हुआ था, लगभग सारे हाशिरा मुजान से लड़ते हैं, लेकिन उनकी फाइट इतनी एग्जेजरेट नहीं थी, और हमें पता था कि मुजान कितना ताकतवर है, और वो वक्त के साथ कमजोर भी हो रहा था। और यहाँ तो साला ये इतना लड़ने के बाद भी मर ही नहीं रहा है, मतलब इतना ज्यादा हो गया था कि फैंस भी कहने लगे थे भाई अब तो मर जा, कब मरेगा। गोजोस कमबैक इज जस्ट अ पीआर। सो पहले मुझे लगता है कि गोजो को मारना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं था। आई मीन ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्चरर, उसका कुछ फायदा तो उठाना चाहिए था। जैसे अगर तुमने ड्रैगन बॉल जी देखा हो तो सेल सागा के फिनाले में जब गोहान और सेल का फाइनल कामयाब चल रहा होता है, तो असल में वेजिटा पीछे से सेल पर अटैक करके उसे खत्म करने में मदद करता है। असल में तो गोहान नहीं मारा सेल को, लेकिन उसमें वेजिटा का भी एक क्रूशियल पार्ट था, और ये हमें याद रहेगा। अब देखो सुकुना को खत्म करने में वैसे आखिरी में गोजो का हाथ भी था, क्योंकि उसी ने उसकी फाइनल फिंगर को छुपा रखा था, लेकिन ये तब होना चाहिए था जब गोजो को एज अ स्मार्ट कैरेक्टर पोर्ट्रे करा जाता लाइक शिकामारू। बट गोजो फिजिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका बैटल फील्ड में कुछ करना ज्यादा जरूरी था। जैसे वेजिटा ने गोहान की मदद की ऐसे ही सुकुना से लड़ते हुए, अगर वो यूजी की हेल्प करता तो इम्पैक्ट अलग होता। आई मीन अगर उसे मरवाना भी था तो तुम्हें उसे एज अ सैक्रिफाइस मरवाना चाहिए था, जैसे वो सुकुना को मार कर ऐसा तगड़ा सा डैमेज दे देता जिसके बाद यूजी अपने फाइनल ब्लो से उसे खत्म कर देता, लेकिन तुमने 30 चैप्टर्स पहले मरवा दिया। गेगे यार तुम्हें पता ही है कि फैंस कितना प्यार करते हैं गोजो को, पर्सनली आई नो यू हेट हिम, बट कम से कम वो इतना डिजर्व तो करता था। लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया, गोजो की बॉडी में यूटा, वो भी चलो ठीक है, लेकिन उससे कराया क्या तुमने। इससे अगला चैप्टर इतना सा था 7 पेज का, और उसे अगले में वो धरा रह गया, टोटली वेस्ट। और इधर मुझे लगता है कि इन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि इन्हें पता था कि 10 चैप्टर बाद मांगा खत्म होने वाली है, तो थोड़ा हाइप बढ़ा देते गोजो का कमबैक दिखाकर। बट दे डिसरिस्पेक्टेड गोजो एंड देयर फैंस। रशिंग ईट द मर्जर। तो जो अभी टैग मिला है जुजुत्सु काइसेन को वो यही है, रश एंडिंग, क्योंकि यस शोनेन जंप वालों का प्रेशर होगा, जल्दी एंड करो भैया, टाइम नहीं है, और भी मांगा पड़ी है एड करने के लिए, आई मीन उनके लिए तो ये बिजनेस ही है ना। अब दूसरा गेगे ने केंजाकू के प्लान पर पूरा हक दिया। भाई एडिसन ने 1000 एक्सपेरिमेंट किए थे, और यहाँ हमारे केंजाकू ने 1000 साल जिस चीज के लिए लगा है वो क्या तुम 1-2 चैप्टर्स में कवर कर दोगे। आई मीन 3 चैप्टर्स ही रह गए, एक में तो वो यूटा को बचाने में लग जाएगा, तो मर्जर फिर कब होगा जिसके लिए पूरी कहानी शुरू हुई। शहर तबाह हुए, इतने लोग मरे, कलिंग गेम्स हुआ, और अगर वही नहीं होगा एंड में तो फिर क्या फायदा। जुजुत्सु काइसेन स्टोरी मीन्स नथिंग। व्हाई इज इट फेल टू बिकम मास्टरपीस। देखो सच बताऊं सॉरी, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि ये मास्टरपीस बन पाएगा। इट्स माय ओपिनियन, पूरे जुजुत्सु काइसेन में जो मुझे मास्टरपीस लगा ना वो है शिबुया आर्क की ओपनिंग स्पेशल जी। आई मीन दैट इज मास्टरपीस। अब देखो यस ये एक लेजेंडरी शोनेन एनीमे बन सकता था, लेकिन उसके लिए इन्हें थोड़ा यूनिक करनी चाहिए थी चीजें। आई मीन मुझे हर चीज इसमें ब्लीच से सिमिलर लगती है। ये बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया टाइट कूबो से, लेकिन चलो ठीक है। आई मीन तुम्हारे एनिमे का नाम है जुजुत्सु काइसेन, तो उसे क्लैरिफाई करने के लिए तुम्हें थोड़ा यूनिक तो दिखाना चाहिए था ना। ठीक है सॉर्सररी है तुम्हारे वर्ल्ड में, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम सुकुना को लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट जैसी मौत दोगे। अब यूनिक का मतलब ये है कि जैसे अटैक ऑन टाइटन, वैसे तो वो पूरा एनिमे ही यूनिक है, लेकिन उसकी एंडिंग में हमें रंबलिंग देखने को मिलती है। ठीक है वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन तो हम एनिमेज में देखते ही है, लेकिन इसमें जहाँ लोगों को बुरी तरह पैरों से कुचला जा रहा था जैसे वो चीटियां हो, दैट इज यूनिक। अब जुजुत्सु काइसेन में मेरे हिसाब से वो ये वाली चीज हासिल कर सकते थे मर्जर के टाइम पर, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो क्या होता है,
और फिर हमें कुछ उसमें अलग ही कुछ देखने को मिलता। आई मीन इसके बिना अगर जुजुत्सु काइसन को देखा जाए तो बाकी और एनिमे की तरह फाइट सीन्स ही तो हैं। इसमें ऐसा कुछ होना चाहिए था ना जिसके लिए हम इसे याद करें। अभी तो ये बिल्कुल बाकी रेगुलर शोनेन एनिमे जैसा ही है। ठीक है, इनके पास रियोई की तेन का ही है, बट बान काई के सामने उसकी हाइप कुछ भी नहीं। उसके अलावा भी ब्लीच में क्योंका सुगेत्सु और ऑल माइटी जैसी पावर्स हैं और इसीलिए वो ब्लीच है और ये जुजुत्सु काइसन। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। बहुत क्रिटिसाइज कर दिया मैंने जेजेको को, ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट ओपिनियन। और बोलने का हक भी बनता है क्योंकि आखिर 90 मिलियन प्लस कॉपीज बिकी हैं इसकी। मैं बता रहा हूँ 50-60 मिलियन तो सिर्फ गोजो की वजह से बिकी हैं। अब कमेंट करना कि इसमें तुम किस पॉइंट से एग्री करते हो और किस से डिसएग्री, और वीडियो कैसी लगी हो वो भी बता देना, और अगर ऐसी वीडियो और चाहिए तो वो भी बता देना। और हाँ, हमने एक डिस्कॉर्ड चैनल भी खोल लिया है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर ज्वाइन करो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, तुम्हें बताइए। आज के लिए बस करते हैं, अरिगातो।